गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई पाठा उठा लिया हमने, एक येरा और एक येरा, और हम अभी निकल ही रहे थे इसके घर के बाहर से, और हमें भाई दिख गया रेड टेप का शोरूम। सो यहाँ पे 70% डिस्काउंट का ऑफर था, सो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जाने का। सो लेट्स गो, चलते हैं अंदर और देखते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो डेफिनेटली ले लेंगे, और बाकी तो विंडो शॉपिंग करना तो कहाँ मना ही है इंडिया में, तो चलते हैं। रेड टेप नीचे, बॉयज का सेक्शन नीचे है। चलो पम 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 पम। तो भाई ये आर्टिकल पसंद आ रहा है, एक बार इसको देखते हैं। इसमें 7 to 8 नंबर होगा, मत दिखाना एक मिनट। तो इसका भाई अच्छा तो लग रहा है, एक बार उसमें देख लेता हूँ। इसने तो एक ही जूता दे दिया, सुबह इन्होंने घर से निकलते ही शॉपिंग करा दी। देख लो जूते ले लिए, बढ़िया लग रहे थे, मैंने कहा ले लेता हूँ उन्हें, एंड कुछ ऐसा लुक आ रहा है ओवरऑल लुक मेरी टी शर्ट के जय उससे जो प्यूमा उससे और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से तीनों तरफ से मैच कर गया ये मस्त। वन मोर शू, सुपर्ब क्वालिटी। क्वालिटी तो सुपर्ब है, पॉकेट भी तो देखनी पड़ेगी। तुम्हारी पॉकेट तो फूली हुई है, बढ़िया लग रहा है यार, जबरदस्त लग रहा है, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं। मतलब पैर में ना अलग से ही दिख रहा है कि कुछ पहना हुआ है तुमने, नहीं तो मैं ये तो कैचुआ के कैचुआ पहले घूमता था, तुम उसको डाल रहा है ये भी अच्छे होते डीकैथलॉन के भाई, साइज अलग है जी, लूज कर लो ना इसके। बढ़िया लग रहा है ना, है ना? अब मैं पजल हो गया, अब मैं वो वाले लूं या ये वाले लूं? अरे दोनों ले लो, दोनों सही है। हाँ इतना नहीं भाई, एक ही लूंगा। घर वाले लग रहा है, देखो मैं तो वो भी बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। वाले मुझे गिफ्ट कर दे, ये वाले मैंने कह तो रहा हूँ, पैसे तुम दे रहे, गिफ्ट भेजते उसे इनको, पैसे तुम दोगे गिफ्ट भेजते उसे, कह तो रहा हूँ अच्छे लग रहे हैं ये वाले, है ना? हो गई पजल, गाओ गजल। अरे वो भी अच्छा, वो भी अच्छा लग रहा है, नहीं लेने का? ले लो निशु भाई, नहीं, नहीं। मेरे कहने में ले लो, बढ़िया लग रहा है। मैं पैसे कौन देगा उनके भाई, ये दो जोड़ी कह रहे हैं और मैं एक जोड़ी, तो मैं एक ही लूंगा, वही बेस्ट है, मैं एक ही लूंगा भाई, एक ही आप कराओ, दूसरा नहीं। इसे एक बार देख लो, बहुत प्यार लग रहा है, देखो सही बता रहा, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़े जूता है भाई, इनसे गिफ्ट मांग लिया, ये तो सच ही बाहर तक छोड़ने आ गए। भैया कहते हैं बाहर तक छोड़ के आओ जाओ इन्हें, अब तो चले जाएं, थैंक यू। तो भाई इन भाइयों ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, 3,000 रुपए का फटका सुबह सुबह, 3,500 रुपए का फटका सुबह सुबह लगवा दिया। अब मैं प्लानिंग करूंगा, मैं घर पे क्या बोलूं। तो गाइस आज इन्होंने मेरे सुबह ही सुबह 3,000 रुपए का चक्कू लगवा दिया, और भाई इतने बेशरम है, अभी भी हंस रहे हैं मेरी बात पे। तू कराया ऐसा मेरे साथ, मैं अच्छे भले एक ले रहा था, मगर भाई ये वाला बंदा, अरे तो बढ़िया है ना, दोनों अच्छे थे। पागल है क्या, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट, और बढ़िया दो है, एक व्हाइट पहनो, ब्लैक पहनो। हाँ मैं कौन सा टीवी शो चला रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो नहीं चला रहे भाई, बढ़िया होते हैं जूते, जितने ज्यादा जूते होते हैं उतने ज्यादा बढ़िया रहता है, उतने ज्यादा खाओ। सुंदर नर्सरी का रास्ता है, DPS स्कूल है यहाँ पे, और भाई ये पूरा जैम है, गाड़ियाँ लगी बढ़िया, गाड़ियाँ ही की गाड़ियाँ लगी बढ़िया आगे तक, हम आगे वाले रास्ते से जाएंगे, इस वाले रास्ते से आगे ब्रिज के कॉर्नर से लेफ्ट होके।
कहता आ गए अपने अड्डे पे, और अड्डे का नाम है भाई सुंदर नर्सरी। जल्दी रखो तुम गेट, गाड़ी का बंद करना। तो कैसा लगा आपको कई दिनों बाद आके? तेरे कान पे हो क्या रहा है ये? अरे जल गया था वैक्स का। कहीं और करा था, कान पे ही क्यों कराई? बाईस पे धुआं सा आता है ना वो बालों, तो मैं सोचा वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं निकलवा देता हूँ। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया, रख दो अंदर के बिल्कुल ही ऊंट बनो ना। पीऊ ना पानी? पानी ना पीऊ, 100 रुपया का वैसे ही। यहाँ भाई पानी की बोतल 100 रुपए की है, तो ये आते जाते लोगों को छेड़ता। किस लिए? तुम्हारी गाड़ी देख के। क्यों? नहीं धर्मेंद्र मेरी ऐसी कर दी थी। बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी साफ करता है भाई धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भैया आई मिस यू सो मच, मैं अपनी गाड़ी छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें याद करी थी। इतने दिनों बाद फेंटा पियेंगे। फेंटा की बॉटल मैंने तो यहाँ देखी ही नहीं थी भाई। इन्होंने दिया भैया ने हमारे थम्स अप, कहता शाहरुख खान नहीं होना चाहिए। मैंने फेंटा बहुत टाइम वो तो चाहिए ना। कोई बाकी थोड़ी सारी चीजें, क्योंकि जिम जा रहा हूँ और डाइटिंग कर रहा हूँ। आज मैं गया नहीं, सुबह मेरे साथ पता क्या हुआ? सुबह मैं उठा 6 बजे, फिर बजे 6:30 बजे गए, मैंने कहा चल लेटर रहता हूँ, अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद। फिर उठा फिर 7 बजे गए, फिर 7:30 बजे गए, फिर 8 बजे गए, फिर 8:30 बजे, फिर जाऊँगी अब शाम को जाऊँगा। भाई 6 बजे जिम चला जाए, चाहे 7 बजे चला जाए, आना इसने वही 12:30 बजे। 12:30 बजे तो बंदा रेडी हुआ। अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो भाई ये कम से कम 2 बजे आता, और 2 बजे आने के बाद दिन स्टार्ट होना तो भाई समझ सकता है ना। हुआ क्या कि मैं सो गया, फिर तुम्हारा फोन आ रहा है, मैंने फोन किया था साइलेंट, मैंने फोन को जैसे आपको नहीं मैंने देखा रहा है, मैंने कहा नहीं सुबह कितनी सारी मिस कॉल, मैंने कहा ये अभी बाद में उठाऊंगा, मैंने कहा ये नहीं तो मेरे को जीरा जीरा आराम कर रहे। इसने ना प्रियंका को बोला, कहता कि फोन उठा के कहता बाथरूम में मेरा बजा, पहले भी वाला बजा वो वाला, मतलब एंड्रॉइड वाला, फिर आईफोन बजा, मैंने कहा उठा लेना बाहर, बोल देना क्या है कैसे। देखिए पीछे मत, इसे चल अंदर जायका, रुक जा चलते हैं। अच्छा जायका है, स्मेल कैसे आ रही है? सो भाई इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और ये भैया रिपेयरिंग का वो कर रहे हैं, और हैंडक्राफ्ट सारा हाथ से बना रहे हैं। ये देखो ये ऊपर वाला आप नहीं बनाया, हाथ से ही बना है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पहले पत्थर का डिजाइन होता होगा जब आप मतलब वैसे सीमेंट से बना रहे हो? इसका ही है, जब स्टार्टिंग में बना था जब भी चूने का ही था। ओके, तो भाई ये राजस्थान के हैं भैया, तो ये भी इन्होंने इसी में कार्विंग की हुई है, पूरा अच्छे तरीके से बनाया हुआ। एक वो भैया उधर बना रहे, आप भी चूने से बना रहे हो? ये इसमें चूना मार्बल है, चूना मार्बल, चूना मार्बल और गोंद। ओके, सो ये मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स में जो होता है वो सारा हाथ से ही करना पड़ता है? हाँ। भाई एक नई चीज यहाँ देखने को मिली, तो जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं या जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको सारा का रिपेयरिंग वर्क जो होता है वो चूना और एक अलग गोंद वगैरह मिला के मार्बल का पाउडर होता है उससे किया जाता। सो ये भैया उसी से कर रहे हैं, सो इसका रेनोवेशन का काम फिलहाल चल रहा है, और आगे इन्होंने कर भी दिया है। ये सारा हाथ से बनाया हुआ भैया ने अभी बनाया, और एक एक डिज़ाइन को बनाने में बताते हैं 2-3 दिन लग जाते हैं इन्हें। ये 3 दिन, ये वाला जो बनाया है ये 3 दिन का, ये इतना सा डिज़ाइन बनाने में भाई ये इनको पूरा करने में 3 दिन लगे हैं, तो सोच सकते हो कितनी मेहनत का काम है। ये वाला 1 दिन का है, तो ये देखो बिल्कुल ही क्राफ्ट करना पड़ता है, हाथ से बिल्कुल बनाना पड़ता है, और ये देखो एजेस भी कितने शार्प बनाए हुए हैं। सो हाथ से बनाना आसान नहीं है, सो भाई ये कलाकारी है, और ये सारे भैया जो आए हुए हैं इसको करने के लिए वो राजस्थान से आए हुए हैं। ये मेरे साथ ही आया हुआ है, मैं बांग्लादेश से आया हूँ।
और जो पहले जितने भी स्ट्रक्चर या जितनी बिल्डिंग्स बनती थी उनके गेट छोटे हुआ करते थे ताकि अंदर जो भी बैठे हों इसमें आने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को होती थी जो राजशाही होते थे, तो उनके सामने सिर उठा के नहीं सिर झुका के आए, इसलिए इनके गेट्स वगैरह छोटे बनाए जाते थे जो अभी तक मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। सो इधर भी अभी भी रिपेयरिंग वर्क होगा। सो जैसे ये टूट गया है पूरा का पूरा, सो ये अभी कंप्लीट करेंगे इसको। भाई अपनी गाड़ी में बैठ के हम यहाँ से जा रहे हैं अब घर। घर आज के सारे काम हमने कर लिया, अपना व्लॉग भी बना लिया और यार दोस्त बैठ के मिल भी लिए, शॉपिंग भी कर ली। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था हमारा ट्रिप में जाने का प्लान करना। सो दिवाली के बाद हमें कहाँ ट्रिप पे जाना है वो हमने प्लान कर लिया, और जो सरप्राइज आने वाला है मैंने वो इनके सामने तो रिवील कर दिया कि मैं क्या कुछ करने के मूड में हूँ। सो आपको भी जल्दी बता दूंगा, आपको तो डायरेक्टली बताऊंगा मैं, दिखाएंगे। सो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। सो कल मिलते हैं। सपोर्ट करो तो तुम क्या क्या हम कार वाली ड्रोन कार भी ले, ड्रोन कार कह रहा आप अगर सपोर्ट करो ना तो हम ड्रोन वाली कार भी ले आए। ड्रोन तो ले ही आए भैया, तुम पैसा भी तो आए कहीं से, ये तो बात है यार। सो इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।